नन डेटा टाइप आपने हेडिंग डाल ली इसमें, ठीक यस सर, है। इसमें लिखो नन मीन्स नो वैल्यू, नन मीन्स नो वैल्यू, नन डेटा टाइप लिख लिया, नन मीन्स नथिंग नो और नो यस वैल्यू, है सर, ना, नो वैल्यू आपने लिख लिया। इफ द यस सर, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, इसके आगे लिखो इफ द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, इफ द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन टू हैंडल सच देन टाइप ऑफ केसेस, देन टू हैंडल सच टाइप ऑफ केसेस, देन टू हैंडल सच टाइप ऑफ केसेस नन इज इंट्रोड्यूस्ड। इफ द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन टू हैंडल सच टाइप ऑफ केसेस नन इज इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस, इट इज यस समथिंग लाइक नल वैल्यू इन जावा। सर, इफ द आगे बात क्या है? इफ द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन टू हैंडल, समथिंग लाइक जावा, एक मिनट में दोबारा से स्टार्टिंग से बोल रहा हूं। इफ द ओके वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन टू हैंडल सच टाइप ऑफ केसेस नन इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक नल वैल्यू इन जावा, इट इज समथिंग लाइक नल वैल्यू इन जावा। चलो स्क्रीन विजिबल है मेरी, सर, हाँ, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक हम छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन सम, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। लेट्स सपोज हम एक वैल्यू बना देते हैं, ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो स्वयं ये तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम्हारा जो अभी एक क्वेश्चन था ना, उसका हाँ आंसर सर, मिलेगा इसमें तुम्हें, है ना। ओके सर, इसको हम करते हैं रिमूव। तुम रिमूव फंक्शन यूज कर रहे थे ना नल वैल्यू में, हाँ तो सही आपने बात। ऐसा फंक्शन बनाया ना, हाँ ये डिफाइन फंक्शन कर दिया है, फंक्शन, तो लेट सपोज बी इज इक्वल्स टू 200, उसके बाद हमने कॉल करा रिमूव, उसके बाद हमने लेट सपोज दोबारा से हमने बी फंक्शन को, बी वैल्यू को कॉल कर दिया, प्रिंट करा देते हैं प्रिंट बी। थोड़ा थोड़ा वैसा है, प्रॉपर एग्जैक्ट तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैंने क्या करा, एक रिमूव फंक्शन है, रिमूव फंक्शन को मैंने इसमें कॉल कराया है, इसको हटा देते हैं डायरेक्ट यार, ये चीज हटा। मैंने रिमूव फंक्शन को कॉल कराया है, जब मैं इसको कॉल कराऊंगा तो आपके जो भी आउटपुट है वो आपका आउटपुट इसके अंदर आ आया जाएगा। लेट सपोज सी के अंदर आपका आउटपुट आ गया, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट सी, तो जो भी ये वैल्यू रिटर्न दे रहा है, जो भी रिमूव फंक्शन रिटर्न दे रहा है, वो वैल्यू सी के अंदर असाइन हो जाएगी, हो और जाएगी जब प्रिंट कराऊंगा तो वो जो भी वैल्यू इसके अंदर असाइंड है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, क्लियर है। यस सर, अब सेफ रख जाना सर, हाँ मैं अभी कराता हूं। अब इसके अंदर जब कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं हो रही है तो ये आपका सी के अंदर क्या वैल्यू असाइन करेगा, कुछ भी असाइन नहीं कर पाएगा, कोई इश्यू नहीं। हाँ सर, ठीक है ना। कुछ भी असाइन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नन। नन, सेम ओके वही सर, केस आप ध्यान करो, आप जो लिस्ट डॉट रिमूव आप कर रहे थे और जो उसकी वैल्यू थी रिमूव फंक्शन की, आप किस में असाइन कर रहे थे, लिस्ट टू में, यस सर, लिस्ट सेम टू में वही कर रहा सिनेरियो था, बन रहा है ना। चलो यस इसको रन सर। करा के देखते हैं, पाइथन 3 नन डेटा टाइप, अच्छा सर, एक तरीके से मैंने लिस्ट टू के अंदर कुछ डाला ही नहीं था सर। लिस्ट वन डॉट रिमूव, जो रिमूव फंक्शन है वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा हाँ था, अच्छा सर, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, तो आपने लिस्ट टू के अंदर जो वैल्यू डाली हुई थी उसमें क्या हो गया, लिस्ट टू में आपका नन असाइन हो गया, आ गया सर, अब सही में आ गया। ठीक है। अभी और ज्यादा धीरे धीरे आएगा, लेकिन आप ये देखो जब कोई फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा तो आप क्या डालोगे इसके अंदर, है ना, तो इसलिए इसको नन असाइन हो गया, क्लियर है ये, ठीक है। पर सर मैंने उसमें एक ही वैल्यू डाली थी, कंप्लीट पूरी नहीं डाली थी ना सर, नहीं, आप मैं दोबारा देखना, आपने फंक्शन कॉल कराया था लिस्ट वन डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर आपने हाँ कुछ सर, वैल्यू डाली थी, इनपुट दिया था, लेकिन हाँ सर, रिटर्न में जो इंटरनल है उसकी वर्किंग, वो क्या कर रहा है, लिस्ट हाँ वन से उस वैल्यू को हटा रहा है, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा,
हाँ सर ठीक है। ये है हाँ अभी धीरे धीरे सर, ये और क्या है समझाए। इसमें मतलब। कौन? हेलो करण? सर, करण सर आपने एक फंक्शन बनाया और रिमूव नाम का, उसके अंदर बिल्कुल, आपने ए इज इक्वल टू 10 रखा है कुछ ना। भी कर दो इसके अंदर, कुछ भी कर दो। लेट सपोज ए इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू ए इंटू इंटू कहाँ गया, ए, कुछ भी कर दिया ठीक मैंने। लेकिन ये वैल्यू है, आपकी इधर रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है ना, इसके अंदर रिटर्न नहीं लगा हुआ। तो रिटर्न रिटर्न क्या होता है सर, मतलब ये वैल्यू वहां पे जाके पास कराता है हाँ, इस फंक्शन के मैं अंदर। एक मिनट दो मेरे को, मैं एक सर ऑनलाइन रिटर्न जीरो जैसे हम सी में यूज करते हैं तो वैसे ही कुछ है ना। ऑनलाइन नो, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक यस सर, है। यस सर, एक रिमूव फंक्शन है, इसके अंदर कुछ लॉजिक चल रहा है, ठीक है। और फिर यस उसके बाद सर, आप क्या कर रहे हो, इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को सी के अंदर असाइन कर रहे हो, ठीक है। एक बकेट है, बकेट के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। जब आपने इसको यस सर, कॉल करा इधर से, जब आपने इसको कॉल करा, तो इसने अपना काम तो कर दिया जिसके लिए ये हाँ बना हुआ है सर, बकेट, लेकिन इसने रिटर्न के अंदर आपको कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं दे रहा है। रिटर्न देखो में क्या सर दे रहा ये है, तो उसका काम है ना। इसने क्या करा, जब आपने इसको कॉल कराया, इसने अपनी प्रोसेसिंग तो कर दी, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं दिया। इसने ना ट्रू ना यस सर, फॉल्स ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न करी, क्योंकि इसके अंदर आपने रिटर्न कॉल नहीं कर रखा था। जब आपको इधर कोई वैल्यू आपको रिटर्न में नहीं मिली, ठीक यस है, सर, जब आपको कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं मिली, जहां भी ये वैल्यू आप असाइन कर रहे हो उसको क्या असाइन हो जाएगा, यस नन, मतलब कुछ भी सर, इस असाइन नहीं फंक्शन होगा। के अंदर यानी कि इनपुट ही नहीं हुआ है तो आउटपुट होगा ही नहीं। नहीं, इनपुट भले ही हो जाता, लेकिन जब आपने आउटपुट नहीं दिया, इधर आपने रिटर्न, मतलब खाना बन चुका है, थाली नहीं है, खाना खाने में परोसे है ना। बिल्कुल ऐसे नहीं करो। ठीक जो सी के अंदर जो आपका जैसे रिटर्न टाइप वॉइड है ना, है, हाँ बिल्कुल सेम वही मान के चलो। इसके अंदर ठीक, वॉइड रिटर्न टाइप क्या होता है, जिसके अंदर आप कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, उससे रिलेट कर पा रहे हो यस सर, सी के वॉइड से। हाँ सर, उसमें क्या होता है, आपका जो फंक्शन है, फंक्शन अगर वॉइड टाइप का है, आप वैल्यूज इनपुट दे रहे हो, लेकिन जब आप हमें रिटर्न रिटर्न टाइप करा का रहे हो, रिटर्न आप देना कुछ पड़ रहा रिटर्न है, नहीं करा रहे हो उसके अंदर। हमें रिटर्न जीरो लिखना पड़ रहा है सर। हाँ, तो जब यस सर, कभी इसके अंदर जब हमने जिसको कॉल कराया, नहीं रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं वॉइड में, वॉइड में तो कुछ रिटर्न नहीं करते, नहीं सर, एंड में तो रिटर्न जीरो लिखते हैं ना, वॉइड में नहीं लिखते। हाँ वॉइड में कुछ नहीं लिखते ना। अब जब आप सर, इसको ये मान के चलो, जब ये वॉइड टाइप का है, जब ये रिटर्न करेगा वॉइड वैल्यू, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और आप सी के अंदर उस वैल्यू को असाइन करना चाह रहे हो, तो सी में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। जब ये कुछ दे ही नहीं रहा, तो इसके अंदर क्या असाइन करोगे, जब ये फंक्शन आपका रिटर्न में कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, तो आप सी के अंदर क्या असाइन करोगे, नन। सर जो रिमूव आपने फंक्शन बनाया ना उसके अंदर ए लिख दीजिएगा एक बार बस। ए ये एरर देगा, हाँ मतलब नहीं, यानी आप कंट्रोल जेड कर दो एक बार, वही जो सब लिखा था, ये जो ऊपर है ना डिफाइन, जो आपने डिफाइन करा हुआ फंक्शन, रिमूव ब्रैकेट के बीच में ए लिख दो सर। एक मिनट रुको, मैं ए लिख देता हूँ, इधर से मेरे को पास करना पड़ेगा, और इधर मैं लेट सपोज बी इज इक्वल टू ए कर देता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी हाँ लिख सकते सही हो इसके है अंदर सर, ना। सी, अब इसके अंदर मैं ए की वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो मेरे को ए वैल्यू इधर से पास करनी पड़ेगी, ए इज इक्वल टू 10, और आपका सी डॉट रिमूव, चला के देखूँ। बिल्कुल सर, नहीं भी कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि रिटर्न हमने कराई नहीं है वैल्यू को सर। हाँ, मेन हमने इसमें सर रिटर्न इसमें ही नहीं रिटर्न कराया फंक्शन कुछ। होगा, हाँ बोलो। इसमें कोई रिटर्न फंक्शन होगा। हाँ, रिटर्न है, अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा, सब यस कुछ सर, आएगा भाई। चलो इस एग्जांपल को लिख लो, इससे हमारे डेटा टाइप्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और नन डेटा टाइप अपना क्लियर हो गया है। यस सर, एक्सेल प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं ये आपको आने चाहिए, जुबान पे आपके होने चाहिए। कभी भी आपको कोई कंडीशन मिल रही है, कोई सिनेरियो मिल रहा है, किस कंडीशन में आपको कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, ये आपको सारे पता होने चाहिए। सर, यही वाला एग्जांपल लिख दो जो ऊपर लिखा है ये। हाँ, ये एग्जांपल लिख दो, ये वाला है ना। ओके सर,
नोट कर लिया सर। कर लिया, ठीक है, सबका हो गया। यस सर। अगली हेडिंग डालो इसके अंदर, एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स, हमेशा फाइल में एक्सटेंशन देना, फाइल में हमेशा चेक करना कि सेव है कि नहीं है। यस सर। बिल्कुल भाई, वरना फिर आप कहोगे कि चल नहीं रहा कोड। ठीक है, हेडिंग डाल लिया एस्केप कैरेक्टर्स। यस सर। और इसके अंदर एक ऑटो सेव का प्लगइन भी आता है, अगर वो डालना है तो वो डाल लो सर, वो तो हो जाता है सर, कर देते हैं खुद ही। नहीं नहीं अगर लेट सपोज अगर लग रहा है ना कि भाई थोड़ा आला सारा ही, सेव नहीं करना बार बार कुछ लिखा फिर ऊपर आपका फिर से सेव करना है, तो आपको लगता है कि आपको कुछ मतलब ऑटोमेटिक सेव हो जाए तो आप ऑटो सेवर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। एस्केप कैरेक्टर हेडिंग डाल ली। यस सर। लिखो इन स्ट्रिंग लिटरल्स, इन स्ट्रिंग लिटरल्स, यस सर, वी कैन यूज एस्केप कैरेक्टर्स, इन स्ट्रिंग लिटरल्स वी कैन यूज एस्केप कैरेक्टर्स टू एसोसिएट अ स्पेशल मीनिंग। इन स्ट्रिंग लिटरल्स we can use escape characters to associate a special meaning. अब वापस स्ट्रिंग पे आ जाते हैं, लिख लिया इतना? Yes sir. Yes sir. ठीक है, वापस स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। लेट सपोज मेरे को एक स्ट्रिंग बनानी है geeks with geeks, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट s, मैंने इसको रन कराया, ठीक है। अब इसने एक लाइन में इसको प्रिंट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एक लाइन में आए, ये सेकंड लाइन में और ये थर्ड लाइन में। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब इसको चला के देखते हैं एक बार। दिस इज कॉल्ड एज न्यू लाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज न्यू लाइन एस्केप कैरेक्टर। इसको एक बार चला के देखते हैं। अब क्या हो गया, ये आपका देखो अलग अलग लाइन में आ गया। आ गया सर। अब ओके सर, एक सिनेरियो और है जिसमें मैं चाहता हूं कि बीच में जो स्पेसिंग दी है ना, स्पेसिंग और ज्यादा हो जाए। ठीक है, एक मिनट, इसको एक कर देते हैं। अगर सी होती तो सर बैक स्लैश टी काम कर गया था। हाँ वही करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मेरे को लेट सपोज स्पेस इन दो इनके बीच में ज्यादा चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा? बैक स्लैश टी। ठीक है। अच्छा सर, इसमें सेम ये चीज काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल। लेट सपोज मेरे को इसमें बीच में स्पेसिंग और ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा? बैक स्लैश टी। चला के देखते हैं इसको। ये देखो बीच में जो स्पेस है आपका इधर और जो फर्स्ट लाइन में स्पेस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये एक आपका एक और एस्केप कैरेक्टर हो गया। अगर लेट सपोज मेरे को बीच में डबल कोट्स चाहिए, अब मेरे को ये वाला बताना, आप कौन बताएगा एग्जांपल? डबल कोट्स सर, आप सिंगल कोट्स देके भी कर सकते हो सर। मेरे को ये प्रिंट करना है गीक्स फिर विद आ जाए डबल कोट्स में और फिर गीक्स। अब बताओ इसको कैसे फिक्स करेंगे? सिंगल कोट में ले लो, पूरी पूरी स्ट्रिंग को सिंगल कोट से। नहीं, मेरे को डबल कोट्स में ही चाहिए स्ट्रिंग भी। तो सर इसके आगे बैक स्लैश एन ला, बैक स्लैश एन मैं सिंपल बैक स्लैश लगा दूंगा। हाँ सर, है ना, एक बार चला के देखता हूँ मैं। वो सर एकदम से याद नहीं आया, ये देखो। ठीक है। यस सर। तो वो सर ऐसे नहीं आएगा जैसे आपने लिखा है, सिर्फ डबल स्लैश से नहीं आएगा वो? क्या चीज?
मतलब जैसे विद बीच में आपने डबल वाले कॉमा लगाया वो तब वैसे नहीं प्रिंट होगा। नींद आ रही तुम्हें? नहीं मुझे काहे को नींद आएगी सर। अब मेरे को बताओ, मेरे को ये प्रिंट कराना है क्या? मेरे को ये भी प्रिंट कराना है और ये भी प्रिंट कराना है। मेरे को ये बैक स्लैश प्रिंट कराना है और ये डबल कोट्स प्रिंट कराना है और इधर भी मेरे को बैक स्लैश डबल कोट्स प्रिंट कराना है। तो डबल कोट्स के अंदर सर ब्लैक ब्लैक वो क्या है, बैक स्लैश क्या है, उसे डाल दो। डबल कोट्स के अंदर सर बैक स्लैश को डाल दो। नहीं 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 मैं बताता हूँ, एक बैक स्लैश और लग जाएगा इसके आगे। दो लगेंगे क्या? दो बैक स्लैश लगेंगे इसमें ना। इसको प्रिंट चला करा के देखते हैं और आपका ये आउटपुट आ गया जो मेरे को चाहिए था। क्लियर है सर? इस वाले आउटपुट को सर थोड़े अलग तरीके से लिख दो सर, वो पुराना वाला आउटपुट भी दिख जाए अलग नहीं आवाज भी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। इनको लिख लो एक बार। यस सर। कितना हो गया? वो सर बस लिख रहा हूँ सर अभी। एक बार लिख लो, हो जाए तो बताना। ओके सर। सर शो कौन सा है? एक मिनट में वीडियो। इसमें एक चार्ट बना लो, मैं आपको कुछ चीज लिखवाऊंगा, उस चीज को लिख लेना पहले एक साइड। स्लैश एन स्लैश टी स्मॉल में स्लैश आर क्यों दिक्कत दे रहा है, ठीक है स्लैश आर लिख लो। उसके बाद आप लिखो स्लैश बी स्लैश एफ स्लैश वी यस सर स्लैश सिंगल कोट बैक स्लैश डबल कोट। उसके बाद आप लिखो टू बैक स्लैशेस। ये सारे आप एक टेबल बना लो, टेबल में आपके दो कॉलम रहेंगे, एक कॉलम में आप ये लिख लो सारे, एक कॉलम अभी ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है? ओके सर। एक बार ये हो जाए फिर मेरे को बताओ। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। अब इसमें स्लैश एन के आगे लिखो न्यू लाइन, दिस इज फॉर न्यू लाइन। यस सर। सर अभी नहीं हुआ, एक मिनट। हाँ लिख लो पहले। Thank you.
हो गया सर, लिख लिया स्लैश एन के आगे लिखो न्यू लाइन, दिस इज फॉर न्यू लाइन। आपको चला के भी देखना है दोबारा अलग से, अभी मैंने चला के दिखाया फिर भी आपको दोबारा चला के देखना है। स्लैश एन इज फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी इज फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, स्लैश टी इज फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, स्लैश आर इज कैरेज रिटर्न, स्लैश आर चला के दिखाना मेरे को बताना, स्लैश आर इज कैरेज रिटर्न सर, क्या स्लैश आर कैरेज, कैरेज सी ए डबल आर आई ए जी ई कैरेज रिटर्न, ओके सर। स्लैश बी लिखो आप बैक स्पेस, स्लैश बी इज फॉर बैक स्पेस, यस सर। स्लैश एफ इज फॉर फॉर्म फीड, थोड़ा नेट पे आप सर्च करना फॉर्म फीड एफ ओ आर एम एफ डबल ई डी, यस सर। स्लैश वी इज फॉर वर्टिकल टैब, बैक स्लैश सिंगल कोट इज फॉर सिंगल कोट, बैक स्लैश सिंगल कोट इज फॉर सिंगल कोट, बैक स्लैश डबल कोट इज फॉर डबल कोट्स, टू बैक स्लैश इज जो लास्ट वाला है इज फॉर बैक स्लैश, ये आपका क्या करेगा बैक स्लैश प्रिंट करेगा, ठीक है। यस सर, ये सारे चला के देखने हैं अपनी स्ट्रिंग में डाल के, ओके सर, ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल लो कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद हम खत्म करेंगे आज का सेशन। कॉन्स्टेंट्स लिख लो, यस सर, ठीक है। इसमें लिखो कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन पाइथन, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट्स डॉट py, कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू हम दे देते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या डालना है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हेडिंग डाल ली, यस सर। इसके अंदर लिखो कॉन्स्टेंट कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन पाइथन, इज नॉट एप्लीकेबल इन पाइथन, यस सर, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड, इसमें लिखो कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड वेयर, कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड वेयर वी वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड वेयर वी वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड वेयर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरिएबल वूज वैल्यू, हाँ सॉरी यार, इसमें लिखो कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड, कॉन्स्टेंट आर यूज्ड सर वेरिएबल तो चलो आप बोलो, कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड वेयर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरिएबल वूज वैल्यू कैन नॉट चेंज इन फ्यूचर। स्क्रीन विजिबल है, यस सर, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मली कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, आपने कोई एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू आपने फिक्स कर दी और अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहो इन फ्यूचर तो वो चेंज नहीं होती, जो कॉन्स्टेंट का प्रॉपर्टी है, जो कॉन्स्टेंट का फीचर है ये कहलाता है। लेकिन जो पाइथन है, पाइथन के अंदर कॉन्स्टेंट नहीं होता है, इंस्टेड वी कैन यूज द सेम टाइप ऑफ थिंग फॉर अवर सेल्फ, है ना, लेकिन हाँ सर उसको हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। कॉन्स्टेंट बनाने के लिए क्या होता है, लेट सपोज हमने कोई वैल्यू देनी है, लेट सपोज मैक्स रेंज वैल्यू, ठीक है, हम इस तरह से एक वेरिएबल बनाएंगे, उसकी वैल्यू हमने लेट सपोज कुछ वैल्यू दे दी और उसको हम इस तरह से यूज करेंगे, जहां पे हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में, तो हम इस तरह से कैपिटल केस में उसको बनाएंगे, उस वेरिएबल को बनाएंगे। अब इसमें आगे लिख लो वी कैन क्रिएट, वी कैन एग्जाम्पल के बाद लिखना है, पहले लिख दो, ना ना अभी लिखो पहले एग्जाम्पल बाद में लिखना, वी कैन क्रिएट, कैन क्रिएट अ वेरिएबल इन कैपिटल लेटर्स,
वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल इन कैपिटल लेटर टू यूज इट एज अ कॉन्स्टेंट. हाँ, वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल इन कैपिटल लेटर टू यूज इट एज कॉन्स्टेंट. ठीक है सर. ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लो. इट इज जस्ट अ कन्वेंशन. इट इज जस्ट अ कन्वेंशन. इट इज जस्ट अ कन्वेंशन बट वी कैन चेंज द वैल्यू. बट वी कैन चेंज द वैल्यू. लिख लिया इतना? यस सर. ठीक है. यस सर. तो हमारे डेटा टाइप्स अब खत्म हो गए हैं और कल से हम ऑपरेटर्स को स्टार्ट करेंगे. तो इससे पहले जो आपका डेटा टाइप वाला चैप्टर है पाइथन के अंदर, एक बार उसके जो फाइनल जो एंड में एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर दो. ठीक है. ओके सर. क्लियर है? यस सर. कोई डाउट हो पूछना यस सर, मुझसे. ठीक है, कल से हम ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ठीक सर.